हमारे साथ बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा हैं। ओपी शर्मा जी, विधायक जब दिल्ली की जनता ने आपको चुना था तो आपसे उम्मीद ये थी कि आप कानून बनाएंगे। आप तो कानून को हाथ में ले लिया, आप सारे अखबारों में आपकी तस्वीर छपी हुई है, सारे टेलीविजन चैनल पे चल रही है, आप एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी का सर फोड़ेगा तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? आपका सर फोड़ा, उन्होंने आप पर हमला किया पहले, आप ही कह रहे हैं? सबसे पहले जब मैं कोर्ट से बाहर निकला तो वो भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थन में नारे लगा रहे थे। मैंने उनको मना किया, मना करने पे वो माने नहीं, उसने हाथापाई की, मेरे सर में चोट लगी और उसके बाद जब वो भागे तो मैं उनके पीछे जब भागा तो पहले वो गिरे, उनके ऊपर मैं गिरा और उसी हाथापाई के जिसकी जो सारी फुटेज है वो आप देखा। लेकिन हमने देखा पैर से, हाथ से बदस्तूर चला रहे हैं, लगातार मार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो आप एक जैकेट पहने हुए, काली जैकेट वाला, उस पर बार बार गोला लगा के मेरा नाम लिख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी लड़ाई नहीं हुई है, मेरी लड़ाई निश्चित रूप से है क्योंकि उसने मेरा सर फोड़ा और भारत विरोधी नारे लगाए। तो उस दौरान ये भी सुना गया कि आपने कहा कि मेरे पास बंदूक नहीं, बंदूक होती तो क्या करते हैं? अब वो जो कल की बात थी वो कल खत्म हो गई, आज की बात करो ना। लेकिन ये बात तो सुनी गई ना कि बंदूक होती तो मैं, हाँ तो होता, तो जो भी होता, झगड़े में आदमी कुछ भी कर सकता है, क्या दिक्कत है? झगड़ा जब होता है तो जो भी चीज़ होती है उस पर हथियार उसका इस्तेमाल करते ही है, क्या दिक्कत है? तो ये तो कानून हाथ में लेना हुआ ना, विधायक आप तो विधायक है ना। नहीं, विधायक को क्या मरने के लिए छोड़ोगे आप? विधायक पर कोई हमला होगा तो विधायक उसका प्रतिरोध नहीं करेगा, उसको प्रतिरोध करने का अधिकार है ना। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है ओपी जी कि आप वहाँ कोर्ट में कर क्या रहे थे? आपको कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ओपी शर्मा अरुण जेटली के बड़े खास आदमी हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। मैं कोई वीजा लेके एक तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती, मैं इस देश का नागरिक हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। और कल तारीख थी कोर्ट में, मैं केवल उस तारीख में गया था, कल कोर्ट में डेट थी और मैं उस सिलसिले में गया था। और रहा सवाल आम पार्टी का, तो आम पार्टी तो जो लगातार जेल जा रही है, पहले वो लोग तय करें कि देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को, अफजल गुरु के वो समर्थन में है या विरोध में है, पहले ये बताएं, उसके बाद फिर उनसे बात की जाए। ये कहा जा रहा है कि आप गए थे अरुण जेटली जी के केस में, लेकिन आप चले आए इधर और इन लोगों के साथ आधा पाई। और तो बाहर नहीं निकलो गेट से, अपनी गाड़ी की तरफ ही तो जा रहा था मैं, कोर्ट से निकल के अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। वो एकदम सामने थे, नारे लगाने लगे, उनको मना किया, मना करने पे उन्होंने जो हमला किया, चोट मार दी, फिर जब दो चार लोग भीड़ में इकट्ठा हुए।